हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो वीडियो है वो अमेजन शॉपिंग हॉल पर है। सो मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ ये विंटर ड्रेसेस। सो इसमें कुछ नाइट सूट है, कुछ पुलओवर है एंड कुछ कैप है एंड मफलर है। ओके, सो ये सब मैं आपको दिखाऊंगी। मीशो पे कपड़ों में क्या होता है कि प्राइस तो कम होते हैं बट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सो इस बार मैंने सोचा था कि कुछ ऐसा सामान लूँ जो मैं रिटर्न ना करूँ, झंझट ना रहे उसका, तो मैंने इसलिए अमेजन से शॉपिंग करी है। एंड आपको मैं बता दूं, अभी अमेजन पे सेल भी आने वाली है, रिपब्लिक डे की सेल आने वाली है। सो अगर आपको इन सब में से कुछ भी पसंद आता है तो आप फटाफट कार्ट में ऐड कर लीजिएगा एंड जैसे ही सेल स्टार्ट होगी आप उन्हें परचेस कर सकते हैं। ओके, एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट रेगुलर नोटिफिकेशन। सो चलिए फटाफट वीडियो की ओर चलते हैं। आइटम मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है एक कैप विथ मफलर। ये मुझे तो बहुत सही लगी एंड इसकी अगर क्वालिटी की बात करी जाए, ये बहुत ही अच्छा वुल है, इनका शाइनिंग है इस वुल में एंड अंदर जो है वो फर यूज़ करा गया हुआ है, इसीलिए इरिटेशन नहीं होगी। जिनको इरिटेशन होती है या इस चीज़ स्कैल्प हो जाते हैं वो इसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एंड एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें मफलर अटैच है। किसी को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो टोपा लगाने के बाद उसे मफलर लगा लगाया मिल जाएगा, सो आप इस मफलर को भी यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी इसकी बहुत सही है, दाम मुझे इसका याद नहीं है बट अंडर बजट मुझे लगा इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया था। कलर कॉम्बिनेशन की बात कलर की बात करी जाए तो आपको इसके और भी कलर्स आपको दिख जाएंगे, आप चॉइस कर सकते हैं। सो ये मेरे लिए 5 out of 5 है रेटिंग में, ये बहुत सही आइटम मुझे लगा। इसका मफलर बहुत अच्छा है, यू नो यू कैन सी द क्वालिटी, सो आई वुड रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। सो जो नेक्स्ट आइटम मैं दिखाने वाली हूँ वो है एक हाई नेक टी शर्ट या स्वेट शर्ट आप बोल लीजिए इसको, टी शर्ट तो नहीं है, स्वेट शर्ट ही है। ओके, बट इसका जो स्टफ है वो बहुत थिन है, यू कैन नॉट वेयर दिस अलोन। ओके, आपको इसके अंदर इनर पहनना पड़ेगा एंड इसके ऊपर ये, उसके ऊपर स्वेटर पहनना पड़ेगा, ये जस्ट शो ऑफ के लिए है। मेरे पास हाई नेक कुछ नहीं था, इनफैक्ट रेड कलर में कुछ नहीं था, तो बस ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। रेड नहीं है ये, मरून है। एंड क्वालिटी की बात करी जाए तो सी इसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब इफ़ यू स्ट्रेच दिस ना, ये पूरी लाइट आर पार दिख रही है मुझे, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट और नॉट। ओके, सो ये थोड़ा सा क्वालिटी मुझे सही लगी नहीं बट ऐसे अगर रेड कलर आपको चाहिए, मरून कलर चाहिए तो ले सकते हैं आप इसे। आगे इसकी डिज़ाइन की बात करी जाए तो डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है। ओके, एंड ये जितना भी स्ट्रेच आप कर सकते हैं ये फुल स्ट्रेचेबल है, ये अच्छी चीज़ है। इसमें स्लीव्स इसकी इनफ लॉन्ग है, सो ये भी परचेजिंग मुझे सही लगी है। प्राइस के हिसाब से मुझे प्राइस का याद नहीं है, सो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस, बट इफ़ यू वॉन्ट समथिंग इन मरून विच शुड बी हाई नेक एंड यू जस्ट वॉन्ट टू वेयर इट इन साइड, सो यू कैन गो फॉर दिस। सो नेक्स्ट आइटम है वो है पुलओवर बोल लीजिए या आप इसको हुड बोल लीजिए। ओके, ये मेरे एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ गया है। मैंने सोचा कि शायद स्मॉल बहुत छोटा रहेगा, मीडियम और यू नो सी कितना बड़ा आ गया है ये एक्सेल। सो ये पोलर बेयर के लिए ही बना हुआ है, ये मेरे लिए नहीं बना हुआ है। सो स्टफ की बात करी जाए, क्वालिटी की बात करी जाए तो ये देखिए इसमें फर का बना हुआ है ये। ओके, एंड बहुत ज़्यादा वार्म नहीं है बट इट विल बी कंफर्टेबल। ओके, एंड कलर की बात करी जाए आपको इसके और भी कलर्स मिल जाएंगे। ओके, एंड मटेरियल वगैरह बहुत सही है, मुझे लैवेंडर कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था, बट समहाउ ये एक्सेल साइज का आ गया है एंड जो कि मुझे ज़रा से भी इसकी फिटिंग नहीं है। सो आप इसे देख लीजिएगा, साइज़ के हिसाब से मंगाइएगा। मुझे तो लग रहा है कि अगर मैं मीडियम भी मंगाऊंगी तो मुझे आ जाएगा। ओके, जनरली मैं साइज एल लेती हूँ बट इसका मीडियम भी मुझे आ जाना चाहिए, क्वालिटी इसकी सही लग रही है मुझे। ओके, सो आई वुड रिकमेंड दिस ऑल्सो बट साइज आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट आइटम मैं दिखाने वाली हूँ वो है एक नाइट सूट जो है वो है वेलवेट स्टफ में।
इसका कलर है पर्पल। पर्पल कलर का है ये। आपको शायद इसमें लग रहा होगा कि थोड़ा सा मरून या ब्राउन, बट ऐसा जरा भी नहीं है। एंड ये वेलवेट है, मैंने बताया आपको। इसकी स्लीव्स में कितनी अच्छी डिजाइन डली हुई है। एंड ये स्ट्रेचेबल है, स्टफ बहुत अच्छा स्टफ है। एंड ये जो साइज मैंने ऑर्डर किया था वो लार्ज है, तो मुझे लगता है नाइट सूट के हिसाब से लार्ज मतलब सही रहेगा। बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा लूज भी नहीं रहेगा। एंड इतना अच्छा इसमें ना लैस दे रखी है, आप देखेंगे गोटा पत्ती की लैस लगा रखी है। एंड आगे बहुत ही अच्छा काम कर रखा है, ऐसे अच्छा लग रहा है मुझे। इसमें ऊपर कोई पॉकेट नहीं है, बट इसका जो बॉटम मिला हुआ है, बॉटम बिना मतलब इसका जो ब्रॉडनेस है ये काफी सही है। कोई मतलब ऐसा नहीं है प्रॉब्लम हो रही थी पहनने में, या कहीं टाइट हो रहा है लूज हो रहा है, परफेक्ट फिटिंग थी लार्ज के हिसाब से। पॉकेट आप इसमें देखिए, ये आप इजीली टैब रख सकते हैं। जनरल नाइस सूट में कौन ही टैब लेके चलेगा, बट आप इसमें टैब रख सकते हैं, इतनी ज्यादा इसमें स्पेस है। एंड ये सिंपल है, कोई डिजाइन नहीं है इसमें, नॉर्मल है जैसे पैंट होती है। बट हाँ, इट वॉज क्वाइट कंफर्टेबल। ये भी मुझे प्राइस याद नहीं है, बट सीरियसली कोई सामान अच्छा मिलता है, चीज अच्छी मिलती है, तो हम थोड़ा सा प्राइस कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जैसे हम मीशो पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम यहाँ प्राइस कॉम्प्रोमाइज करेंगे अगर क्वालिटी अच्छी है तो। मैं इसे भी रिकमेंड करूंगी। अगर आपके पास नाइट सूट नहीं है, आप इसको कुछ चाहते हैं, तो ये वेलवेट स्टफ में बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो भी एक नाइट सूट है। ये जो कलर है इसका पीच कलर है, एंड जो इसका स्टफ है वो फर है, माइक्रो फाइबर्स आप बोल लीजिए, वैसा वाला स्टफ है। अंदर इसके देखिए कैसे वुल लगा हुआ है। ऊन ऊन जैसा है। एंड इसकी अगर बात करी जाए तो ये साइज के हिसाब से, लार्ज के हिसाब से थोड़ा मुझे ज्यादा फिटिंग लगा, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल नहीं है। एंड इसके हाथ पे ये थोड़ा सा इलास्टिक दे रखी, जो कि स्ट्रेचेबल ज्यादा नहीं है। सेम इसका जो नीचे तरफ है ना, जो कमर पे आता है, वहां पर भी इन्होंने इलास्टिक दे रखी है। ठीक ही है, मतलब एटलीस्ट वो स्ट्रेच हो रही है। एंड इसकी बॉटम की बात करी जाए तो बॉटम में भी, बॉटम एंड टॉप दोनों में कोई पॉकेट नहीं है। एंड इसके कमर मुझे सही लगी। इसका जो थोड़ा सा पैर है वो भी मैंने बताया आपको, थोड़ा सा स्ट्रेच नहीं हो रहा है, जैसे स्लीव्स में था यहाँ भी ये स्ट्रेच नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा पहनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी क्वालिटी की बात करी जाए तो मैं इसे 3 out of 5 दूंगी। लाइक इफ यू आर इन वेरी मच नीड, लेना ही है कुछ तो आप इसको ले सकते हैं, अदरवाइज आपके पास वो दूसरा वेलवेट वाला ऑप्शन भी है, सो आप उसके साथ जा सकते हैं। इसका अगर आप साइज बड़ा ले सकते हैं तो ले लेके देख लीजिएगा, वो भी अगर आपको सही लगता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आई वुड रिकमेंड दैट वेलवेट वाला रादर देन दिस फाइबर, माइक्रो फाइबर वाला। तो था मेरा विंटर शॉपिंग हॉल। आप मुझे बताइएगा आपको कौन सा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, आप मुझे प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी ही नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।